उसमें नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि प्लीज अपलोडेड न्यू फोटो, तो आपकी नई फोटो आपको उसमें सिस्टम पे अपलोड कर देगा। जय हिंद दोस्तों, आपके इस अपने एमटी डॉक्यूमेंटेशन चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फेस नॉट मैच। इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, आज मैं उसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ कि उसमें क्या क्या लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फेस नॉट मैच, कोविड के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं, मोस्टली काम ऑनलाइन हो गया। उसी तरीके से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भी बहुत ईजी हो गया, आप लर्नर घर बैठे बना सकते हैं। बट हर स्टेट में इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, कुछ स्टेटों में ये आज भी ऑनलाइन है, आप घर बैठे लर्नर बना सकते हैं। अब मैच क्या आता है, अब मैं बताता हूँ आपको। फेस नॉट मैच का जो दो प्रॉब्लम आती है, पहली प्रॉब्लम आती है आप काम करने से पहले आप ये देखो आपके आधार पे फोटो न्यू अपडेट है या नहीं है। अगर आपके बच्चे की वाली फोटो हुई तो आपका फेस नॉट मैच ही आया, क्योंकि बच्चे के टाइम पे आधार में कुछ और फोटो थी, रिसेंटली आपकी और फोटो। ठीक है, तो ये चीज़ मेन है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है क्योंकि सारा लिंकअप आधार से। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप जाओ आधार ऑफिस, आधार सेंटर जो नियर अबाउट होगा आपके सेंटर के या फिर बैंक में होगा, उनसे बोलो मेरी बायोमेट्रिक अपडेट कर दो। जब वो आपकी बायोमेट्रिक अपडेट करेगा तो आपका फ़ोन नंबर भी अपडेट करेगा और आपका फेस की फ़ोटो भी अपडेट करेगा। उसे अपडेट होने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है। जैसे वो अपडेट होगा आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई करो, और जिन लोगों ने आधार से पहले ही अपडेट कराने से पहले ही लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर लिया है और उनको भी फेस ऑथेंटिकेट मिल रहा है, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आप जब फेस ऑथेंटिकेशन पे जाओगे तो उसे आपको अपने फेस पर रखना ऐसे, और उसे बार बार, जैसे एक बार कहेगा कुछ टाइम लेगा, कुछ मिनट लेगा, फेस ऑथेंटिकेट प्लीज़ वेट प्लीज़ वेट प्लीज़ वेट बताएगा। ठीक है, जब वो उसके आगे प्लीज़ वेट के बाद एक लिखाएगा कि इसे लॉग आउट करो दोबारा ओपन करो, तो ऐसे ही आपको जब तक वो ऑप्शन नया अपडेट नहीं हो जाता जब तक आपको करना है। ऑप्शन क्या अपडेट होगा, उसमें नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि प्लीज़ अपलोडेड न्यू फोटो, तो आपकी नई फोटो आपको उसमें सिस्टम पर अपलोड कर देगा। जैसे ही आप सिस्टम पे अपलोड कर दोगे फोटो, उसी टाइम पे आप ट्राई मत करो, आपको एक दिन का टाइम लेना है क्योंकि सिस्टम पे अपडेट होने में टाइम लगता है। उसी टाइम पे अपडेट हो जाती है, लेकिन टेक्निकली चीज़ें कुछ आ जाती है, कई बार किसी का फेस ऑथेंटिकेट तुरंत हो जाता है, कभी किसी का बाद में होता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली ट्राई करना उसी टाइम पे, तो कम से कम 30 मिनट या 1 घंटे का टाइम दो, उसके बाद आप दोबारा से वही प्रोसेस अप्लाई करो। गारंटी कहता हूँ आपका फेस मैच कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो मेरा पार्ट 1 नहीं देखा हो तो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है और आप अच्छे से देख सकते हो। फिर आप मेरा पार्ट 1 देखोगे तो 2 देखोगे तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्यों बना रहा हूँ। और दोस्तों थोड़ी सी पेशेंस रखा करो और कोशिश करा करो, कई बार एक दो बार करते हैं हम ईट करते नहीं, याद नहीं हो रहा, तुरंत फोन मिला, थोड़ा टाइम उसमें टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, जल्दी भी होता है, बस उसे आपको दोबारा से लॉग आउट करके दोबारा ओपन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। जय हिंद दोस्तों।